हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये चिकन 65 की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही सिंपल वे से इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। ये मैंने 1/2 किलो चिकन ब्रेस्ट ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके ले लिया है एक बोल में। इसमें मैं 4 से 5 चॉप किए करी लीव्स ऐड करूंगी, 1 टीस्पून तीखी मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून दही, 2 स्वाद अनुसार नमक, 2 टेबलस्पून कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, ये तीखा नहीं होता पर कलर देगा। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून मैदा और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया और 1 अंडा ऐड करेंगे। इन सबको अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अभी हम 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने देंगे फ्रिज में, ताकि फ्लेवर्स अच्छे से आ जाए इसमें। ये मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। इसमें अभी हम मैरिनेट किए हुए चिकन को फ्राई कर लेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। अभी इसमें मैं थोड़ा सा रेड कलर ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। चिकन को ऐसे पलटते हुए सारी तरफ से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना। अभी उसी तेल में से मैंने 2 टेबलस्पून तेल फिर से गरम कर लिया। इसमें मैं 2 टेबलस्पून चॉप किया लहसुन डाल रही हूँ। और ये 4-5 हरी मिर्च चॉप की हुई, लहसुन और मिर्च को थोड़ा हम 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। इसमें 4 से 5 करी पत्ते, 1 से 2 सूखी मिर्चें, 3 तड़का रेडी हो चुका है। इसमें अभी हम फ्राइड चिकन को ऐड करेंगे। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और फिर से एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे। अरे चिकन 65 को अभी मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। गर्मा गर्म चिकन 65 रेडी हो गया है सर्व करने के लिए। इसे आप एज अ स्टार्टर या एज अ साइड डिश किसी भी वे में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है ये। आई एम श्योर ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही मज़ेदार और यमी रेसिपीज़ देखने के लिए
अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।